सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MDR ब्लॉग को सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल MDR ब्लॉग। दोपहर के लगभग 3 बज गए हैं और मैं हूँ अमलई रेलवे स्टेशन में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अमलई रेलवे स्टेशन का ब्लॉग। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं हूँ अमलई रेलवे स्टेशन में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अमलई रेलवे स्टेशन और अमलई शहर का ब्लॉग और सारी जानकारी भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमलई रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के बिलासपुर रेलवे डिवीजन के तहत बिलासपुर कटनी लाइन पर एक रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के अमलई सिटी पार्ट में स्थित है। और दोस्तों, अमलई रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमलई सिटी पार्ट के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामित्व भारतीय रेलवे द्वारा संचालित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रेखा बिलासपुर कटनी लाइन को है, जिसका प्लेटफॉर्म 5 है और 2 डबल विद्युतीकरण पटलियां हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं अमलई रेलवे स्टेशन से निकलने वाली ट्रेनें। अमरकंटक एक्सप्रेस, जिसका कोड है 12854, अमरकंटक एक्सप्रेस 12853, सारनाथ एक्सप्रेस 15159, सारनाथ एक्सप्रेस 15160, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस 18205, नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस 18206, नर्मदा एक्सप्रेस 18234, ATC। ये सारी ट्रेन जो है अनूपपुर से अमलई रेलवे स्टेशन से निकलती है। और गाइस, अमलई रेलवे स्टेशन मुख्य शहर से अमलई शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अमलई स्टेशन के पास एक कंपनी के नाम के रूप में एक कोयला साइडिंग स्थित है, जिसका नाम 2004 से महावीर बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड था। लेकिन उस स्थान पर खुली हुई कोल साइडिंग के लिए किसी भी सरकारी संस्थान को अनुमति नहीं दी गई। तो बहुतायत में जो है अमलई रेलवे स्टेशन से कोयले का आदान प्रदान होता है, जिससे यह रेलवे स्टेशन एक भव्य रेलवे स्टेशन माना जाता है। और दोस्तों, अमलई रेलवे स्टेशन से बहुत आयात में मालगाड़ी जो है चलती हैं, क्योंकि अमलई जो है कोलफील्ड के नाम से मशहूर है, जिससे बहुत आयात में कोयले का आदान प्रदान अमलई रेलवे स्टेशन से होता है और दूर दूर जगहों तक जाता है। और दोस्तों, अब आपको बताता हूँ अमलई शहर की सच्चाई। तो अमलई भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक जनगणना शहर है, जिसकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 30,292 थी, जिसमें पुरुषों की आबादी 53% और महिलाओं की आबादी लगभग 47% है। अमलई की औसत साक्षरता दर 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से 59.5% से अधिक है और 15% आबादी 6 साल से कम उम्र की है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमलई भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर तो है ही, और अनूपपुर जिले के गठन से पहले यह शहडोल जिले में हुआ करता था। तो अमलई शहर की जो बोली है वो हिंदी है, और अब अमलई शहर जो है अनूपपुर जिले के अंतर्गत आने वाला मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत सा शहर है। और दोस्तों, कोलफील्ड की वजह से, पेपर मिल की वजह से आप इसे एक इंडस्ट्रियल एरिया भी बोल सकते हैं। तो गाइस, अभी फिलहाल देख सकते हो मैं हूँ अपनी बोगी पे आ गया हूँ, और अभी आपके अमलई रेलवे स्टेशन ब्लॉग शूट में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलकर अपनी नई वीडियो के साथ।